हे हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर, दैट्स नेम सीड्स एंड सीड्स। सो इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड टॉक्ड अबाउट द व्हाट इज द टारगेट ऑफ दिस चैप्टर एंड व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर। सो आई जस्ट रिपीट इट। सो वी डिस्कस अबाउट द टारगेट ऑफ दिस चैप्टर। फर्स्ट वन, व्हाट इज जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है, स्टेप्स ऑफ सीड जर्मिनेशन, जो सीड जर्मिनेशन होगा उसके कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। पार्ट्स ऑफ सीड, सीड के कौन से पार्ट्स होते हैं उनके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। कंडीशन नेसेसरी फॉर अ सीड टू स्प्राउट, एक जो सीड है उसको स्प्राउट होने में या जर्मिनेशन होने में कौन कौन सी कंडीशन रिक्वायरमेंट होती, कौन सी कंडीशन नेसेसरी होती, उन सारी कंडीशंस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड, सीडों का जो डिस्पर्सल है, एक जगह से दूसरी जगह सीड कैसे पहुंच जाते हैं उस पर भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और एक कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था। तो ये सारे टारगेट्स थे हमारे चैप्टर्स में सीड एंड सीड्स। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग एक स्टोरी के वे में या कुछ एक्टिविटी करके हम ये सारी चीज़ों को इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। गोपाल वाज वेटिंग फॉर हिज मौसेज फैमिली टू विजिट देम, दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर दियर हॉलीडेज। ठीक, जो गोपाल था वो इंतज़ार कर रहा था, जो उसकी मौसी की फैमिली है वो लोग अगले दिन आने वाले थे छुट्टियों में। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. उसके दिमाग में वो सोच रहा था कि जब हमारे जो मौसेस के फैमिली से जो हमारे कजिन्स आएंगे तो हम लोग अच्छा भोजन लेंगे, अच्छा खाना खाएंगे और बहुत सारी मस्ती करेंगे। नेचुरली जब हम लोगों के यहाँ को कोई हमारी सेम एज कोई रिलेटिव आता है या उनके फैमिली आती तो हम लोग बहुत सारा, जब भी कोई रिलेटिव आता है हमारे यहाँ तो हम लोगों के घर में भी क्या फूड जो है वो थोड़ा स्पेशल बनता है, अच्छा बनता है। तो वो सारी चीज़ें इसके बारे में सोच रहा था। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट, गोपाल बिफोर यू स्लीप रिमेंबर टू सोक टू स्मॉल बाउल्स कटोरीज ऑफ चना ग्राम। तो उसकी मम्मी बोलती है कि गोपाल सोने से पहले याद रखना कि तुम्हें दो कटोरी जो स्मॉल बाउल्स हैं वो चने तुम्हें सोक करना, मीन्स पानी में भिगोना है, डालना है। ही वॉज गोइंग टू हिज बुआज हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। वो अपने बुआ के यहाँ जा रही और वो मॉर्निंग में आएंगे। मतलब जो वो बुआ के यहाँ जा रही थी तो उन्होंने जो गोपाल है उससे कहा कि तुम सोने से पहले दो बाउल, दो कटोरी चने जरूर सोक कर देना, भिगो देना। एज ही वॉज सोकिंग द चना, गोपाल थाउट हाउ विल टू स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ फॉर 8 पर्सन। फिर जब गोपाल सोने से पहले जब कटोरी से जो चने वो सोक करने लगा, डालने लगा, तो उसने सोचा केवल 8 लोगों के लिए दो कटोरी चना इनफ होगा, पर्याप्त होगा कि नहीं। सो ही सोक्ड अनदर 2 बाउल्स ऑफ चना, तो इसलिए उसने 2 और ऐड कर दिए। मतलब उसने क्या टोटल 4 कटोरी चने डाल दिए और इसके बाद वो सोने चला गया। व्हेन हिज मदर रिटर्न द नेक्स्ट मॉर्निंग सी सा दैट द चना वेयर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसर। जब अगली सुबह उसकी मम्मी आती हैं बुआ के यहाँ से तो वो देखते जो चना है वो बर्तन से ओवरफ्लो हो चुकी है। बर्तन जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया कि बर्तन से बाहर होके ओवरफ्लो, बर्तन से भर के नीचे भी गिर गए हैं। हाउ मच डिड यू सोक, तो तुरंत उसकी मम्मी ने गोपाल से पूछा कि तुमने कितना ज़्यादा भिगो दिया था। आस्क हिज मदर हाउ डिड दैट हैपन, वंडर गोपाल। और गोपाल सोचने लगा, अरे ये कैसे हो गया, हमने तो केवल जब हम भिगो रहे थे तब तो ये बाउल्स में नीचे था, तब तो ऐसी कंडीशन, अब ये बाउल्स के ऊपर कैसे आ गए, विसल्स के ऊपर गए, इतने सारे चनाश कैसे हो जाए, इनकी जो क्वांटिटी है वो इतनी ज़्यादा कैसे हो जाए। यू सोक टू मच, एनी वे इट्स गुड,
Now I will cook half of them and leave the other half to sprout. तो उसे मम्मी ने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये अच्छा है। अब मैं इसको आधे के क्या आधे को हम लोग कुक करेंगे, बनाएंगे, खाना बनाएंगे, और बाकी आप आधे को स्प्राउट करने के लिए, अंकुरित करने, स्प्राउट का मीन्स अंकुरित करने के लिए छोड़ देंगे। आई सेंड दीज टू योर आंट, और मैं जो स्प्राउटेड जो चना होंगे, वो जो स्प्राउट हुए चना होंगे, वो हम क्या तुम्हारी आंट के यहाँ भेज देंगे। द डॉक्टर हैज़ टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स, जो डॉक्टर ने उनको क्या स्प्राउट जो अंकुरित चीज़ें खाने के लिए बोला। जब भी आप कभी बीमार पड़े हों या आपको वीकनेस आती होगी, तो आपके फैमिली जब भी डॉक्टर, तो डॉक्टर कहता है कि स्प्राउट मतलब जो अंकुरित चीज़ें वो ज़्यादा से ज़्यादा खाइए, क्योंकि उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। मदर सेड ही टाइड हाफ ऑफ द सोक चना इन अ वेट क्लॉथ एंड हंग देम अप टू स्प्राउट। और इसके बाद जो मम्मी थी, उन्होंने जो आधे चना थे उनको एक जो गीले कपड़े में उसको भिगो दिया, और इसके बाद उनको टांग दिया स्प्राउट होने के लिए, अंकुरित होने। तो अगर आपको भी घर में चने हैं या मूंग है, कुछ ऐसी चीज़ें स्प्राउट करना है, तो सबसे पहले आप उसको रात भर उसको किसी विसल में, किसी बर्तन में आप उसको भिगो दीजिए, और इसके बाद अगली नेक्स्ट मॉर्निंग को कोई क्लॉथ कॉटन का अगर है तो ज़्यादा कॉटन का कोई कपड़ा लीजिए, और इसके बाद उसको उसी में टाइट करके बांध दीजिए, और इसके बाद उसको छोड़ दीजिए। फिर अगले एक दो दिन बाद देखेंगे तो जो आपका चना होगा वो स्प्राउट हो चुका होगा, उसमें अंकुरित आ गए, उसमें कुछ ग्रीन सा या येलो सा पार्ट निकल के आता है, तो वही क्या स्प्राउट हो जाता है। तो अगली हम लोग इसी से बेस एक एक्टिविटी भी करेंगे। तो उस एक्टिविटी में आपको करना कैसे, तो आपको 3 बाउल्स ले लेने हैं, और उन सब में कुछ चने डाल देने। जैसे फर्स्ट बाउल में क्या, सबसे पहले घर में आप 3 बाउल्स लीजिए, तो फर्स्ट बाउल में क्या करना है, आपको चने डिप कर देना है, चने भिगो देना अंडर द वाटर, और जो वाटर में है उसको भिगो देना, एंड दूसरे जो चने को है उसको आप भिगो कर एक कपड़े में रैप कर दीजिए, मतलब बांध दीजिए, और जो तीसरी कटोरी में उसमें क्या पानी भिगो के उसमें चने रहने दिए। मतलब फर्स्ट कटोरी लेना है, उसमें आपको चने भिगो देना है, इसके बाद दूसरी कटोरी में क्या करना, जो चना भिगोया या कहीं से गीले कपड़े में आपको चने रख देना है, और जो तीसरी कटोरी में उसमें पानी भर के आपको चना उसी तरह पड़े रहने देना। फिर आपको ऑब्जर्व क्या करना है, आपको 3 चीज़ें ऑब्जर्व करना है। हाउ मैनी डेज वेयर द सीड जर्मिनेटेड, जो सीड है वो कब जर्मिनेट हुआ, मतलब उनमें से कब स्प्राउट आया, और विच बाउल डिड द सीड जर्मिनेटेड फर्स्ट, और किस बाउल में सबसे पहले जर्मिनेशन हुआ, सबसे पहले अंकुरित या सबसे पहले स्प्राउट हुआ। इन विच बाउल डिड द सीड नॉट जर्मिनेटेड एंड व्हाई, और किस बाउल में, किस जो आपकी कटोरी है उसमें, किस में जो स्प्राउट नहीं हुआ, किसमें चने नहीं अंकुरित हुआ। तो ये एक्टिविटी आपको आज होमवर्क में भी मिल जाएगी, और एक टेबल बना लीजिएगा आप इसी बेस पर, फिर बाकी डिस्कशन हम लोग कल करेंगे। ओके।